हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैरिचा हमारी साइंस की ये क्लास चल रही है, उसी क्रम में आज हमारी ये छठी क्लास रहेगी। दोस्तों, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हमने 5 वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया है। दोस्तों, काफ़ी बड़ा ये टॉपिक होता है, क्योंकि ये कहने को तो एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पर इसके अंतर्गत हम बॉडी के अंदर के लगभग बहुत जो सारे बड़े पार्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, कई वीडियो की सीरीज़ बन गई है इसकी, और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये ख़त्म भी नहीं हो पा रहा है इतनी आसानी से। दोस्तों, इससे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए भी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि हम वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस बहुत से एग्ज़ाम में बने हुए हैं। वैसे तो दोस्तों, ये सारे वीडियो टेट एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं, टेट और सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, पर उसके साथ साथ ही आप छोटे मोटे किसी भी एग्ज़ाम में इन वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, अब हम अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 45 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो आज हम 46 क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमें बड़ी आंत को देखना है। दोस्तों, बड़ी आंत को देखने से पहले बड़ी आंत के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं कि बड़ी आंत के जैसे फ्रेंड्स छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, उसी तरह से बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। हमारे बड़ी आंत का 3 पार्ट जो है वो क्या क्या होता है, पहला सीकम होता है, दूसरा कोलम और तीसरा रेक्टम होता है। तो हमारा जो सीकम वाला पार्ट है वो छोटी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत से सीकम वाला पार्ट जुड़ा होता है। छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जिजिनम और इलियम। तो ये आपको नाम याद रखना होगा छोटी आंत का और बड़ी आंत का। अब अपने बड़ी आंत को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम छोटी आंत तक को एक्सप्लेन किए हुए थे। दोस्तों, बड़ी आंत में डाइजेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि छोटी आंत को कहा जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन जो है वह छोटी आंत में हो जाता है, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हमारा छोटी आंत में पूरा हो जाता है। लेकिन हम फिर पढ़ते क्यों हैं बड़ी आंत को भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में? तो फ्रेंड्स, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत बड़ी आंत को या लार्ज इंटेस्टाइन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर भोजन का पाचन तो नहीं होता है, पर यहाँ पर अवशोषण की प्रोसेस होती है, अर्थात एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हमारे बड़ी आंत में होती है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हमारे बड़ी आंत में होता है। दोस्तों, हमारी बड़ी आंत में जल का एब्जॉर्प्शन होता है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के लिए को जल की आवश्यकता होती है, बिना जल के हम काम नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। तो हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे प्रोटीन विटामिन के साथ साथ ही हमारी बॉडी को जल की भी ज़रूरत होती है। तो ऊपर तो हमने डाइजेशन की प्रोसेस में सारे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व थे उसका पाचन करा लिया था, पर अभी तक हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि हमारी बॉडी को जल कहाँ से मिल रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा जो बड़ी आंत वाला पार्ट होता है, यहाँ जल का अवशोषण होता है। तो क्या होता है, छोटी आंत में जब पूरी तरह से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो जो अपचयित भोज्य पदार्थ होता है, वो बड़ी आंत में पहुंचता है। अब बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले बड़ी आंत के वो सीकम वाले पार्ट में पहुंचता है, जो कि सबसे पहला पार्ट होता है। उसके बाद भोजन कोलन वाले पार्ट में काफ़ी टाइम तक रहता है। तो वो कोलन वाले पार्ट में क्या होता है, भोजन जल का अवशोषण होता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन बने कि लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में जल का अवशोषण होता है, तो वह कोलन पार्ट होता है, जहां पर जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत के अंतर्गत। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कोलन के बाद हमारा रेक्टम वाला भाग आता है। रेक्टम भाग अब हमारे पूरी तरह से भोजन से जो भी हमें आवश्यक चीज़ें चाहिए थी, वो पूरी तरह से सारी चीज़ें हम ले लिए। अब जो भोजन बचा वो पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल है, तो उसे अब हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बेहद विषैला और हानिकारक होगा हमारे बॉडी के लिए। तो रेक्टम वाले भाग से क्या होता है कि वो जो
जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे डाइजेशन की प्रोसेस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों अपने आज के इस क्वेश्चन की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है। तो दोस्तों अभी अभी इसी क्वेश्चन को बताने के लिए इतनी लंबी स्टोरी आपको बतानी पड़ी। सिग्मोइड कोलन अर्थात कोलन हमारी बड़ी आंत का भाग होता है। बड़ी आंत के तीन भाग बता चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर ग्लैंडों को नहीं देखे हैं, एक वीडियो में हम लिवर को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी लीवर होती है, इसे आप रट लीजिए। ये लीवर भी हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है। तो ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपने कभी पढ़ा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है दोस्तों। तो लीवर वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है हमारा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। आज हमें इस क्वेश्चन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म करना है, तो थोड़ा स्पीड में क्वेश्चंस को अब देख लेते हैं क्योंकि बहुत इस पर डिस्कस बहुत ज़्यादा हो चुका है। 49 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है, हमने लार ग्लैंड को देखा, यहाँ से पाचन का, यहाँ से एंजाइम का श्रावण होता है, पैंक्रियाज से भी होता है, तिल्ली से भी होता है, लेकिन हमारे लीवर वाले पार्ट से किसी भी एंजाइम का श्रावण नहीं होता है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा 50 वाला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, देख लीजिएगा कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये है, किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों यकृत द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जा सकता है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए आप और रट लीजिए इसको। अब 51 हमारा क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो दोस्तों पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य कौन सा अंग करता है, हमारा यकृत करता है। कौन सा अंग चूषण करता है, तो वह यकृत करता है। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं दोस्तों। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। ग्लाइकोजन के रूप में हमारा यकृत जो है वह कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो क्या क्वेश्चन है, जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो हमारे बॉडी में यकृत वाले पार्ट में कार्बोहाइड्रेट जमा होता है, वह ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। तो यह किस पार्ट में होता है, यकृत वाले पार्ट में जमा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 53 हमारा क्वेश्चन क्या है, 53 कह रहा है कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो यह ऊपर हमने देख ही लिया, हमारा लीवर वाला पार्ट जो है यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करने का भी काम करता है हमारा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में यूरिया बनाते हैं, तो इसका क्या होगा, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। स्तनधारियों में यूरिया बनाते हैं, तो यूरिया का निर्माण यहाँ कहाँ होता है, ये पूछ रहा है स्तनधारियों में। तो दोस्तों यूरिया का निर्माण हमारे यकृत अर्थात लीवर में होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का दो क्वेश्चन और है दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो दोस्तों यकृत का कार्य क्या होता है, यूरिया का निर्माण, ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस एक घुमा के इसको पूछ लिया है कि यकृत का कार्य क्या है, तो यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन निम्न में से किस में जमा होता है। तो ये भी क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं, ग्लाइकोजन जो है यह यकृत में जमा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस, ये एक रोग होती है, यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस पैदा करती है। तो यह कॉपर जो एक धातु होता है, इसकी विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो दोस्तों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, हमारा आज के क्वेश्चन अब यहीं पर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर भी किया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।